हाय व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल हेल्थ ट्रिक्स एंड टिप्स। दोस्तों, पुरुष का स्पर्म महिला की एग को निषेचित करने के बाद फैलोपियन ट्यूब के रास्ते गर्भाशय में प्रत्यारोपित हो जाता है। गर्भाशय में जहां एग प्रत्यारोपित होता है, ठीक उसी जगह पर प्लेसेंटा यानी कि अपरा बनने लगती है। प्लेसेंटा कहां प्रत्यारोपित और विकसित होती है, वह जगह हर महिला में अलग अलग हो सकती है। प्लेसेंटा द्वारा ही बच्चे को पूरा पोषण मिलता है। बच्चे को भोजन, रक्त संचरण, यहां तक कि ऑक्सीजन भी प्लेसेंटा के द्वारा ही मिलता है। 20 हफ्तों की गर्भावस्था में होने वाले अल्ट्रासाउंड स्कैन में दिखाई देता है कि आपकी प्लेसेंटा यानी कि अपरा की स्थिति कहां पर है। अल्ट्रासाउंड द्वारा डॉक्टर प्लेसेंटा के स्थान के बारे में आपकी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में भी लिखते हैं। प्लेसेंटा का आगे की तरफ स्थित होना एंटीरियर प्लेसेंटा कहलाता है। इसमें प्लेसेंटा गर्भाशय के आगे की दीवार पर स्थित होती है और ठीक इसी तरीके से प्लेसेंटा का पीछे की तरफ स्थित होना पोस्टीरियर प्लेसेंटा कहलाता है। इसमें प्लेसेंटा गर्भाशय के पीछे की दीवार पर स्थित होती है। जैसा कि प्लेसेंटा गर्भाशय की आगे की तरफ की दीवार से जुड़ा होता है, तो यह बच्चे और पेट की दीवार के बीच में स्थित होता है। इसलिए हो सकता है कि शिशु के हृदय की धड़कन को फीटोस्कोप का इस्तेमाल करने पर मालूम करना कठिन होता है, जो आमतौर पर बच्चे की दिल की धड़कन को सुनने के लिए 18 हफ्तों के बाद प्रयोग किया जाता है। एंटीरियर प्लेसेंटा के महिलाओं में बच्चे की लात मारने को बहुत दिनों के बाद ही महसूस किया जाता है, जबकि पोस्टीरियर प्लेसेंटा में महिलाएं जल्द ही इस चीज को महसूस करती हैं। इसमें इस बात की संभावना बनी रहती है कि प्लेसेंटा जो स्टार्टिंग में एंटीरियर पोजिशन में निचले हिस्से में रहा हो, तो गर्भाशय बढ़ने के साथ साथ ही गर्भाशय के ऊपरी हिस्से में जा सकता है और ऊपरी हिस्से में रहा हो तो नीचे के हिस्से में जा सकता है। लेकिन एंटीरियर प्लेसेंटा का पोस्टीरियर प्लेसेंटा में जाने की संभावना बहुत ही कम होती है, लेकिन इससे नकारा भी नहीं जा सकता है, क्योंकि जैसे जैसे शिशु बड़ा होता है, वो अपने आकार और वजन से इसे खिसकाकर इसका स्थान परिवर्तित कर सकता है। इस विषय में आप अपने डॉक्टर से चर्चा कर सकती हैं कि क्या इसमें कोई परेशानी तो नहीं है। दोस्तों, हमेशा सकारात्मक रहें और गर्भावस्था के दौरान खुश रहें। बहुत ज्यादा चिंता ना करें और खुद को तनाव भी ना दें। तनाव लेने से प्रीमैच्योर डिलीवरी होने का खतरा बना रहता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि एंटीरियर और पोस्टीरियर प्लेसेंटा किसे कहते हैं और ये कहां पर स्थित होता है। दोस्तों, ऐसी ही यूजफुल प्रेगनेंसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें नोटिफिकेशन के लिए। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं इसी तरीके के नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।